दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 मई की सुबह एक गैंगवार हुई। इस गैंगवार में दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज बवाना गैंग के गैंगस्टर टेल्लू ताजपुरिया, जिसकी उम्र 35 साल की थी, उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। टेल्लू की हत्या से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस अब दिल्ली NCR के अंदर बदमाशों की धरपकड़ करने और जेलों की सुरक्षा बढ़ाने में जुट गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT India और मैं हूँ आपके साथ देवनाथ पांडे। कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल में 2 गुटों में संघर्ष हुआ, जिसमें गैंगस्टर टेल्लू ताजपुरिया मारा गया। हालांकि टेल्लू पर जब हमला हुआ, इस हमले के बाद टेल्लू को जेल प्रशासन दीनदयाल उपाध्याय, जो कि दिल्ली में है, वहां लेकर पहुंचा। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी यह भी मिली कि जेल नंबर 8 में बंद विरोधी गैंग के योगेश टुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टेल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। इस हमले में टेल्लू बुरी तरह से जख्मी हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग के सदस्य गैंगस्टर राजेश बवानिया, योगेश टुंडा, दीपक तेतर और रियाज खान ने टेल्लू पर जानलेवा हमला किया था। तिहाड़ जेल की हाई रिस्क वार्ड में ग्राउंड फ्लोर पर टेल्लू ताजपुरिया बंद था। टेल्लू पर सुबह जब हमला हुआ, उस वक्त करीब 6:15 बज रहा था, जब 4 बदमाश दीपक तेतर, योगेश, राजेंद्र और रियाज खान सुबह से हमला करने पहुंचे। कहा जाता है कि हमलावर जो चारों थे, वो लोहे की रॉड से एक सुआ बना रखा था उन्होंने। जेल प्रशासन घायल अवस्था में जब टेल्लू को वहां पर लेकर जा रहा था, तो भी वो वार कर रहे थे। आपको बता दें, टेल्लू ताजपुरिया उर्फ सुनील मान अपने विरोधी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या समेत अन्य कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रखा था। टेल्लू ताजपुरिया पहले दिल्ली की मंडोली जेल में बंद था, फिर रोहिणी, फिर तिहाड़। हालांकि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद उसे तिहाड़ में ही शिफ्ट कर दिया गया था। जेल के अंदर बैठकर टेल्लू ताजपुरिया जरायम की दुनिया का काम ऑपरेट किया करता था। जो जानकारी मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि सुनील मान उर्फ टेल्लू ताजपुरिया दिल्ली के अलीपुर के पास ताजपुर गांव है, वहीं का रहने वाला था। टेल्लू बाहरी दिल्ली और हरियाणा से अपने गैंग को ऑपरेट करता था। टेल्लू ने दिल्ली की मंडोली जेल से ही बैठकर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या 24 सितंबर 2021 को अपने शूटर भेजकर करवाई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि टेल्लू ताजपुरिया ने अपने साथी पवन की हत्या का बदला लेने के लिए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दिनदहाड़े कोर्ट रूम में हत्या करवाई थी। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से भी टेल्लू ताजपुरिया की अदावत थी। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी भी उसी गांव का रहने वाला था जहां का टेल्लू था। टेल्लू और गोगी के बारे में कहा जाता है कि एक समय दोनों जिगरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक साथ दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करते थे। साल 2010 में कॉलेज का जो छात्र संघ चुनाव होता है, इन चुनाव के बीच दोनों के बीच दूरियां आई, दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई और दोनों ने अलग अलग वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ दुश्मनी का खेल। टेल्लू नीरज बवानिया गैंग में शामिल हो गया। पुलिस टेल्लू ताजपुरिया को जब गिरफ्तार की पहली बार 2016 में, उसके बाद उसे मंडोली जेल में रखा गया था। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद टेल्लू को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। टेल्लू तिहाड़ जेल से ही अपने गैंग को बैठकर नीरज बवाना के साथ ऑपरेट करता था। तिहाड़ जेल में टेल्लू को मारने की साजिश इससे पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग जब दोनों एक साथ हुआ करते थे अब से कुछ महीने पहले, तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसी टेल्लू ताजपुरिया की हत्या करने की प्लानिंग रची गई थी, लेकिन उस वक्त जेल कर्मियों के, जेल अधिकारियों के सूझबूझ की वजह से टेल्लू ताजपुरिया की जान बच गई थी। लेकिन अब एक जानकारी और निकल कर इस पूरे गैंग वॉर में सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि टेल्लू 10 दिन पहले दिल्ली के रोहिणी जेल में था और रोहिणी जेल में उसकी हत्या हो सकती थी, इस बात की आशंका जताई गई थी, जिसे देखते हुए वहां से उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल, जो कि एशिया का सबसे सुरक्षित और बड़ा जेल कहा जाता है, वहां पर भेजा गया था। लेकिन गोगी गैंग के बदमाश, जिन चारों का हमने जिक्र किया, वो चारों बदमाश पहले लोहे के ग्रिल काटते हैं, उसके बाद चादर के सहारे ऊपर से नीचे उतरते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। उस वक्त पहुंचते हैं जब सुबह का 6:15 हो रहा था और उन सभी बदमाशों को यह पता था कि जेल का स्टाफ ऐसे वक्त में ताला खोल कर जाता है और टेल्लू ताजपुरिया उस वक्त वहीं पर लेटा हुआ था। अचानक ये चारों बदमाश टेल्लू के बैरक में घुसते हैं और अचानक ताबड़तोड़ करके, कई मीडिया रिपोर्ट के अलग अलग दावे हैं जिसमें ये कहे जा रहे हैं कि टेल्लू ताजपुरिया के ऊपर कुल 80 से 90 बार उस सुए, लोहे के सुए से वार किया गया था, जिसके बाद जब पुलिस वाले टेल्लू ताजपुरिया को लेकर जा रहे थे तो वहां पर चादर खींच के वो चारों बदमाश फिर से टेल्लू ताजपुरिया के मृत शरीर को मारते हैं। हालांकि इस गैंग वॉर के बाद पोस्टमार्टम हुआ टेल्लू ताजपुरिया का, उसके बाद ताजपुर गाँव में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन टेल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद एक बार फिर से दिल्ली NCR में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस टेल्लू ताजपुरिया ने जितेंद्र गोगी की हत्या करवाई थी, वही टेल्लू ताजपुरिया गोगी गैंग के शूटरों या फिर बदमाशों के जरिए मारा गया। लेकिन इन दोनों गैंगों की लड़ाई के बीच में इन दोनों गैंग के सरगना खत्म हो चुके हैं, इनके गुर्गे बचे हैं। लेकिन जिस तरह से
आने वाले समय में गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाली है। तिहाड़ जेल में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। न सिर्फ तिहाड़ में बल्कि इसके अधीन आने वाले रोहिणी और मंडोली जेल में भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। इन सभी गैंगस्टर के गिरोहों को अलग अलग कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की हताहत एक बार फिर से ना देखने को मिले। तो टेल्लू ताजपुरिया के बारे में विस्तार से हमने आपको बताया कौन था टेल्लू ताजपुरिया, किस जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद इसकी हत्या की गई है और कैसे जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद जब अतीक अहमद वाले मर्डर केस में भी टेल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी का नाम सामने आया था। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आगे निकल कर और सामने आएंगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप अगर अभी तक ओटीटी इंडिया देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें ऐसे तरह से विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया। नमस्कार।